देश भर में जातीय जनगणना का मुद्दा गर्माता जा रहा है और इस बीच यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर जवाब दिया। संजय निषाद ने कहा कि मायावती जब सरकार में थी तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई। 578 जातीय ट्राइबल हो गए थे, इसके वजह से जातियों की जो जनगणना थी बहुत डिस्टर्ब थी। 1931 में जनगणना हुई, 1941 में जातिगत जनगणना हुई, देश आजाद हो गया, 1951 में सरकार नहीं थी, इसके वजह से जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1961 में फिर देश हो गया तो जातिगत जनगणना हुई, लेकिन केवल अनुसूचित जाति की जनगणना हुई 1961 में। उसमें केवट मल्ला को मझवार में गिना गया, तो हम 70 साल के हैं। मैं तो बहन जी से पूछना चाहता हूँ, उनके सहयोग से 2004 से 2014 तक सरकार थी, 2011 में जनगणना जब हुई थी तो उन्होंने क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई इस तरीके से, जिस तरीके से संविधान में राष्ट्रपति ने लिखा। राष्ट्रपति ने जब 1961 में एक नोटिफिकेशन जारी कर दी, क्योंकि जनगणना कोई सरकार नहीं कराती, राष्ट्रपति कराते हैं, सरकार व्यवस्था करती है तो राष्ट्रपति जनगणना कराते हैं, तो राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन कर रखा जीआई को, रजिस्ट्रार जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, कि केवट मल्ला मझवार में उसमें 66 समूह हैं, तो 66 समूहों की जनगणना होनी चाहिए।